इस वीडियो को दोबारा से शूट कर रहा हूँ क्योंकि जो पहले वाली वीडियो थी मैंने काफी टाइम पहले बना के रख रखी थी। सोचा कि यार इसको बाद में अपलोड कर दूंगा, बट वो डिलीट हो गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार जो उस वक्त मैंने बोला था उस पुरानी वाली वीडियो में, वो उस वक्त की फीलिंग क्या इस वीडियो में आ पाएंगी। चलो कोई ना यार, जैसे तैसे इस वीडियो को सह लेना। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया सुभाष कपूर ने। इसके अंदर कास्ट है ऋचा चड्ढा, अक्षय ओबेरॉय, मानव कोहली और भी बाकी अन्य कलाकार। जब मैं ये मूवी देखने गया था तो मैं बार बार अपने आप से एक सवाल पूछ रहा था कि यार मैंने कौन सा बुरा काम कर दिया अपने पिछले जन्म में या इसी जन्म में, जो मैं अपने आप को टॉर्चर कर रहा हूँ ये मूवी देखा कर। तब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो तारा नाम की एक लड़की है जिसे प्ले किया ऋचा चड्ढा ने। तो तारा एक दलित परिवार से है। अब दलित परिवार को दिखाया गया है कि यहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, जैसा मूवीज की, जो बॉलीवुड की मूवीज दिखाती हैं वैसे वाला। तो वहाँ पर ये लड़की जो है वो कैसे सामने आती है समाज के, अपने आप को कैसे स्टैंड करती है और फिर वो चीफ मिनिस्टर बनती है उत्तर प्रदेश की, ये सब इस मूवी के अंदर दिखाया गया। स्टार्टिंग जैसी वो उसका लुक था ऋचा चड्ढा का, तो मुझे लगा कि बीएसपी पार्टी की जो मायावती जी हैं, मुझे लगा कि उनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। तो मुझे लगा कोई बायोग्राफी होगी क्योंकि मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा था, तो बस ऐसी ही आई हुई थी रैंडमली। मैंने इसको देखना सोचा कि इसको देखने चले जाते हैं, लेकिन ये उनके जीवन के ऊपर आधारित नहीं है, ये बॉलीवुड की घटिया सोच के ऊपर आधारित है मूवी। क्योंकि अभी टेंशन ना लो, अभी थोड़ी देर में मैं इस चीज को क्लियर कर दूंगा। देखो पर्सनली मुझे पॉलिटिक्स जो वर्ड होता है ना उससे बहुत प्यार है, मुझे पॉलिटिक्स मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन भारत कि जो पॉलिटिक्स मूवीज जो बनती हैं उसमें प्रोपेगेंडा जरूर चलता है, वो प्रोपेगेंडा बिना तो बना ही नहीं सकते यार। अब तो ऐसे लगने लगा है कि प्रोपेगेंडा जो है वो कंपलसरी हो गया है बॉलीवुड की मूवीज में। कोई एक आधी जो मूवी है वो बाय मिस्टेक जो है वो अच्छी बन जाती है, लेकिन इनसे इन्होंने तो ठेका उठा रखा है कि हमें घटिया से घटिया मूवी देनी है और घटिया से घटिया प्रोपेगेंडा फैलाना है। और इस मूवी में राजनीति के अलावा साथ साथ जो है जात पात का भी दिखाया गया है। कुछ एक सीन जो है, कुछ एक सीन क्या स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत इसमें जात पात का दिखाया गया, लेकिन बाद में सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं, सबको कुर्सी प्यारी हो जाती है। और जब ये मूवी देख रहा था तो जस्ट थोड़ी सी देर बाद, बस जैसी एक्टिंग देखी मैंने ऋचा चड्ढा की और जैसी उसके अंदर प्रोपोगंडा मैंने देख लिया, मुझे लगा कि यार बस गैर रुपए तो गए। ऋचा चड्ढा ने जो इसके अंदर एक्सप्रेशन जो दिए है ना, वो भाई साहब मतलब आपको जान से मारने के लिए काफी है। मतलब जब भी वो स्टेज पे आती भाषण देने के लिए और जैसे उन्होंने अपना मुंह खोला जिस तरीके से, भाई बस ऐसा मन किया कि यार इसको छोड़कर भाग जाऊं कहीं पे। और जो मुझे एक चीज लगती है कि यार जिन्होंने भी उनके जो भाषण लिखे हैं, जो लिरिक्स जो भी है, जो स्क्रिप्ट जो लिखी है, एक बार जो राइटर साहब को ना खुद पढ़नी चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि क्या सोचकर वो चीजें लिखी थी। तो खुद को भी तो एहसास होना चाहिए ना कितना गंद डाल दिया उसके अंदर। और सच कहूं यार पॉलिटिक्स का जो इन्होंने, मतलब इनको पी तक नहीं पता यार पॉलिटिक्स क्या होती है, मतलब सही ढंग से उसका यूज करना क्या होता है। एक उम्मीदवार प्रॉपर ढंग से खड़ा होता है, एकदम से उम्मीदवार आता है और कोई कुछ भी नहीं किया होता, बस उम्मीदवार आया, जीता, विधायक बने, विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बन गए, बस खत्म कहानी। यार मजाक चल रहा है यार तुम्हारा यहाँ पे। बेशक इस मूवी के अंदर कुछ एक सीन जो थे वो काफी अच्छे थे, मुझे पसंद आए, लेकिन वो एक आधे सीन के ऊपर पूरी मूवी तो अच्छी नहीं हो जाती ना। चीफ मिनिस्टर का वर्ड तुमने यहाँ पे यूज किया, उनकी पावर यूज करते हैं, उनका ओहदा यूज किया हुआ है, तो उनका रोब यूज करते हैं। एक महिला मुख्यमंत्री जो बनती है तो कैसे फैसले लेती है, उसको कैसे लागू करवाती है, वो एक चीज दिखानी थी। उनके फेस के ऊपर जैसे चमक होती है एक मुख्यमंत्री के ऊपर, कैसे वो पूरी जनता को संबोधित करते हैं यार, वो चीज देखने में मजा आनी थी। और सीरियसली जब पहली बार ऋचा चड्ढा स्टेज के ऊपर आई भाषण देने, यानी जो तारा थी वो जैसी भाषण देने पहली बार स्टेज के ऊपर आती है, तो उसके क्या क्या सेंस था यार वो बात करने का, कैसी लग रही हूं मैं, पटाखा लग रही हूं मैं, ये कौन संबोधित करता है यार, सामने जनता है, हवस की भूखी जनता नहीं है जो तुम लोग ऐसे आके ऐसे ऐसे फिल्मी डायलॉग मारोगे और तुमको वोट मिल जाएंगे। एक बार रियल में करके देख लेना, जूते चप्पल अलग से पड़ जाएंगे। अब देखो यार, बेशक मूवी अच्छी बन सकती थी अगर इसमें ऋचा चड्ढा की जगह कोई अच्छी एक्ट्रेस ली हुई होती, कहानी के ऊपर अच्छा काम किया होता, प्रोपोगंडा अगर इसके अंदर नहीं होता। वैसे प्रोपोगंडा तो होना कंपलसरी ही हो गया, वो तो मैं कह ही नहीं सकता कि प्रोपोगंडा आएगा नहीं, इसलिए जब तक प्रोपोगंडा डालते रहेंगे तब तक कहानी या जो मूवी ये बनाते हैं बॉलीवुड वाले कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। और जिस तरीके से इन्होंने बैकग्राउंड साउंड का यूज किया है कि हाँ भी जो एक्टिंग, जब वहां पर परफॉर्मेंस हो रही है तो बैकग्राउंड में साउंड जो है वो बहुत भयंकर बज रहा है, कोई डायलॉग बोल रहे हैं तो उसमें साउंड जो है वो बहुत भयंकर बज रहा है। अबे तुम बेइज्जती कर रहे हो बैकग्राउंड साउंड की। ना इस मूवी के अंदर कोई ढंग की कहानी है, ना इसके अंदर कोई परफॉर्मेंस ही ढंग से दी गई है। जैसे सच कहूं ना, कहानी तो थी घटिया, उसके ऊपर सोने पे सुहागे वाली, मतलब उसको कचरा और ज्यादा कचरा करने वाली बात होगी। उसमें जो दी गई वो परफॉर्मेंस है, मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 1 out of 10 star। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने 1 क्यों दे दिया, शायद एक आधा जो सीन वो पसंद आया उसके लिए, बाकी पूरी की पूरी मूवी कचरा है।
पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, इतना ज्यादा पैसा कहाँ से लाते हो यार, इतना ज्यादा है तो यार अकाउंट नंबर देता हूँ अपना, मेरे वाले में डाल दो यार, तुम्हें आग ही लगानी है तो मेरे काम आ जाएगा वो पैसा। अगर किसी ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी। हाँ वो फैन वाएंगे, तेरे को नहीं पता यार क्लासिक मूवी क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, इसमें अच्छी दिखाई गई है, उसमें एक्टिंग, अबे जाओ बे तुम यहाँ से। और अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं उनको यही कहूंगा कि रिव्यू अगर समझ में आया तो मुझे कहने की जरूरत तो है नहीं कि देखनी है नहीं देखनी, खुद समझदार हो समझ जाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।